आगी बिहारी मुझको देना सारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। जय हो श्रीमद्बिहारी चरणम शरणम प्रपद्ये। तो ठाकुर जी महाराज के दीप प्रज्वलित के दर्शन भी हो रहे हैं, और इससे बढ़िया और क्या चाहिए। इसी दीप की रोशनी में हमारे बांके बिहारी जी का अद्भुत श्रृंगार होता है। लेकिन सबसे पहले बिहारी जी को उनकी शयन सैया से सिंहासन पर विराजमान करवाया जाता है, उसके पश्चात बिहारी जी का स्नान होता है, उसके पश्चात बिहारी जी को उनकी जो छोटी सी टॉवल होती है उससे पोछा जाता है बिहारी जी को, और उसके बाद फिर बिहारी जी को हल्के हल्के हाथों से बड़े प्रेम पूर्वक इत्र की मालिश होती है, फिर तुलसी चंदन इत्र ये सब चढ़ाया जाता है। ठाकुर जी महाराज की जो कृपा है, वो जो सेवा है, वो इसी कृपा इसी सेवा के जरिए कृपा प्रसाद के रूप में मिलती है बिहारी जी के। जैसे उनका चरणामृत, उनके प्रसादी चंदन, प्रसादी पुष्प, प्रसादी तुलसी, ये सारी चीजें उनके प्रसादी होती हैं, और बिहारी जी की कृपा प्रसादी कहते हैं जिसको भी, वो एक रूप में मिलती है हम स्वामियों को। तो ये सारी सेवा की जाती है इसी दीप की रोशनी में। यानी कि क्या है ये होती है कृपा, जैसे मैं अभी बता रहा था, तो स्वामी हरदास जी का प्रसादी दूध मिल गया खाने को। जय हो। ओम यस्तु यते श्रुतिगणे निपुणे रजस्रम संपूजते क्रतुगते प्रणते क्रियाभिः हम सर्व कर्म फलकम निज सेवकानां श्रीमद् बिहारी चरणम शरणम तपते। तो बिहारी जी का आशीर्वाद ये भी, जैसे हम उनकी बात कर रहे थे कि उनके चरणामृत की, तो स्वामी जी का प्रसादी दुग्ध दूध मिल गया। तो ये एक चमत्कार ही है कि जब जब मैंने देखा है, हम जैसे परसों का लाइव सेशन का हम जब विराम देने वाले थे कि राधा कृष्ण के जो स्वरूप सजे हुए वो नीचे थे, उनका आशीर्वाद हम लोग सिर्फ दूर से ही उठा पा रहे थे, लेकिन फाइनली राधा रानी और कृष्ण जी की ऐसी कृपा हुई कि वो ऊपर स्वयं आ गए, और पूरे मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार को उन्होंने अपना आशीर्वाद प्रदान किया। ये चीजें जो होती हैं, ये कोइंसिडेंट नहीं होती, ये चीजें इत्तफाकन नहीं होती, ये सारी चीजें प्री प्लान है। और ये प्री प्लान कहाँ है, इनके पास। इनके पास किनके पास, जो अंदर विराजे हुए हैं, अंदर का विराजे हुए हैं, जो भैया यहाँ पर विराजे हुए हैं बांके बिहारी। जय हो बिहारी। तो बिहारी जी महाराज की पोशाक के दर्शन भी मिल रहे हैं यहाँ से, ठाकुर जी महाराज का इस तरीके से आशीर्वाद रूपी मिल रहा है। जय हो। तो आप लोगों का भी फर्ज है कि यही आशीर्वाद औरों तक पहुंचाएं, क्योंकि लाइव सेशन को देखना यानी कि अपनी मानसिक प्रेजेंस बांके बिहारी मंदिर में देना, हम अपने नेत्रों से देते हैं, अपने आंखों से देते हैं, अपने मन से देते हैं। सेम ऐसे ही अगर हम इसको शेयर करके, इसको आगे तक और पहुंचा के अगर हम औरों को भी ये चीजें दिखाते हैं, तो उन पर भी हम उनके जो वो जितने भी लोग अपने नेत्रों से अपनी आंखों से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका एक हिस्सा, एक अंश, एक पार्ट जो कृपा का है वो हमें भी लगता है। ऐसे ही मुझे भी लग रहा है, ऐसे ही जो टीम फॉरवर्ड करती है, आपको ब्रॉडकास्ट करती है, उनको भी लग रहा है, और ऐसे ही आप लोगों को भी लगेगा। और ये कहते हैं ना कि दुनिया गोल है, तो ये सारी चीजें इसी तरीके से है कि बिल्कुल यूं चलता रहता है चक्र, कि वो आपको फॉरवर्ड करते हैं, आप मैं उनको लाइव चलाता हूं तो मैं उनको फॉरवर्ड कर रहा हूं, वो आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं, फिर आप किसी और को फॉरवर्ड कर रहे हैं, और कुछ लोग फिर बाद में मुझे ही फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये एक चक्र है कि मेरे लाइव सेशंस के काफी सारे लिंक्स डेली के डेली या फोटोज लाइव सेशन से स्क्रीनशॉट्स लेके काफी लोग मुझे भेज देते हैं, वो भी मुझे स्वीकार है और अच्छी बात है।
कोई उसमें वो नहीं है, तो वो भी एक्सेप्टेबल है और वो भी लौट के वापस आ जाता है। तो आप जैसा जिसके संग करते हो वो लौट के आपको जरूर मिलता है, और ये इस दुनिया का दस्तूर ही नहीं, ये ठाकुर जी की कृपा का दस्तूर है, ये उनका ही है दिया हुआ लिखा हुआ कि आप जैसा बीज बोगे वैसा फल प्राप्त करोगे। तो ऐसे ही आप जैसा जिसके संग करोगे वैसा ही मिलेगा। हम किसी को हर्ट करते हैं तो कोई ना कोई आके हमको हर्ट करता है, हम किसी के संग भला करते हैं तो कोई ना कोई आके हमें हमारा भला करता है, और ऐसा ही है, यही होना भी चाहिए। तो इसीलिए हमें हमेशा ये सोच के कोई सत्कर्म करने चाहिए, कोई अच्छे कर्म करने चाहिए, कि हमें ये सोच के सब, जैसे मैं आपको एक चीज दिखा दूं, वो दिखाइएगा प्रसाद, कि इनको ये हमारा राधाष्टमी स्पेशल प्रसाद है जो हमने कुरियर गए, इन्होंने तो यही पर आके ले लिया है जी, जय हो। तो ये वैसे इनको प्रसाद ही मिल गया, आरती आ चुकी है। तो हमेशा मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे कर्म करो कि ये सोच के कि हमारे संग वैसा ही होने वाला है, तो ये फैक्ट है लाइफ का। और इसीलिए अब आरती करते हैं, मैं आपको आरती करा रहा हूँ, किसी दिन कोई मुझे भी आरती कराएगा जब मैं मंदिर में नहीं होगा, और ये हुआ है, मैंने भी आरती ऐसे ही करी है कभी मैं मंदिर नहीं था। शोर से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि आ गई है मेरे बांके की आरती। मोर मुकुट कट काजनी कर मुरली और माल, यह बान तुम मन बसो सदा बिहारी लाल, पाग बनो पटका बनो बनो लाल को बेस, और जय 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 श्री कुंज बिहारी लाल की तोरिया रे तिले, श्यामा श्याम की जय, कुंदरी लाल की जय, बरसानी वाली की जय, कुंदरी श्री हरदास के लाड़ले की जय। कुंज बिहारी श्री हरदास के लाड़ले हैं ये, और हम सब के लाड़ले हैं मेरे बाके बिहारी। श्री आरती की जय, श्री नवनागर की, श्री आरती की जय, श्री नवनागर की, खंजन नैन देन रस माते, खंजन नैन देन रस माते, श्री रूप सुधा सागर की, श्री आरती की जय, श्री नवनागर की, पान खात मुस्कात मनोहर, पान खात मुस्कात मनोहर, श्री मुख सुकुमा उजागर की, श्री रसिक सखीदम पति आरती सोए, श्री रसिक सखीदम पति आरती सोए, श्री नैन सैन उजागर की, श्री आरती की जय, श्री नवनागर की, श्री आरती की जय, श्री नवनागर की, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तो आप लोग भी अपनी सेवा, अपनी हाजिरी स्टार्स के जरिए बांके बिहारी जी तक इस तरीके से पहुंचा सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे स्टार्स हैं इसके जरिए आप पहुंचा सकते हैं। और जब भी स्टार्स आप देंगे, आपको कमेंट सेक्शन में राधे राधे जय बिहारी जी की लिखना है, और यही प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमें भी हमारे जीवन में ऐसी स्टार्स की तरह शाइनिंग दें, चमकाएं और सुपर स्टार बनाएं। मैं बल्कि अगर इसको हम क्लियर शब्दों में कहेंगे तो सक्सेस दें, यानी कि सुख शांति समृद्धि वैभव, ये हमारे जीवन में जिनकी सबसे ज्यादा कमी होती है, या जिनकी ही सबसे ज्यादा जरूरत होती है, या फिर मैं ये कहूंगा कि सिर्फ इन्हीं की जरूरत होती है, बाकी सारी चीजें इनके अंदर ही आ जाती हैं। सुख शांति समृद्धि वैभव, ये ऐसी चीजें हैं, क्योंकि हमारी जो नीड्स हैं वो हैं हमें मेंटली स्ट्रेस से दूर रहें, मेंटली फिटनेस, फिजिकली स्ट्रेस से दूर रहें फिजिकली फिटनेस, फाइनेंशियली फिटनेस, ये सारी चीजें होती हैं। और जैसे कि यहाँ बांके बिहारी जी की जो ये जो कृपा की बरसात है, जो उनका अमृत वर्षा है, ये चरणामृत नहीं है, ये आरती के छींटे होते हैं, क्योंकि चरणामृत को कभी भी फेंका नहीं जाता है इस तरीके से। और ये आपके मुखारबिंद पे भी आते हैं, ये आपके मुख पे भी आते हैं, ये आपके नेत्रों पे भी लगते हैं। तो मैं यही चाहूंगा, बिहारी जी से यही प्रार्थना है कि जिस तरीके से ये गोस्वामी जी जल को सभी पर डालते हैं, ऐसे बिहारी जी महाराज भी इसी जल के तरह आप लोगों तक
अपनी कृपा की बरसात कर। जैसे उस दिन रास हो रहा था तो पूरे मंदिर में कृपा की बरसात हो रही थी, अटूट कृपा की बरसात, अलौकिक कृपा की बरसात, दिव्य कृपा की बरसात ये चल रही थी। तो ऐसे ही आपके जीवन में सारी चीजें, और हमें वृंदावन धाम में जब एंट्री करते हैं ना आप लोग, मैं भी अगर कहीं बाहर जाके वृंदावन धाम में आता हूँ तो इन जो पॉजिटिव वाइब्स हैं, जो एक ठाकुर जी की जो रूह है, जो उनको छूटी हुई हवा आ रही है, वो जब खुद को स्पर्श करती है तो पता चलता है कि हम कैसी दिव्य अलौकिक जगह पर आ चुके हैं। बाकी चितवन कटिले स्वामी श्री हरिदास के बांके बिहारी श्री बांके बिहारी हम आए हैं शरण तिहारी। स्वामी श्री हरिदास के प्यारे आके जनन के नित रखवारे, श्याम स्वरूप मधुर मुस्काते पड़े पड़े जनन बरसाते, पटका आग पीतांबर शोभा सिर सिर पेच देत मन लोभा, तिरछी आग मोतिलर बाकी शीश के पारे सुंदर झांकी, मोर पंख के लटक निराली आनन कोंडल लट गुंगराली, लट गुलाब पे तन मन बार मंद आसन लागे अति प्यारी, तिरछी ग्रीव कंध मणिमाला उर पे गुंजा हार रसाला, कांधे सांगे सुंदर पटका गोटा किरण मोतिन के लटका, भुज में पहरे अंग रखा छीनो अटे काचनी अंग ढक लीनो, कमर बंद की लटकन न्यारी चरण छिपाए श्री आके बिहारी, इतलाए पीछे से आए धोनी शोभा गई बढ़ाई, प्रादि सेवा आस विराज श्री हरिदास छवि अतिराज, घंटे बाज बजत नागे झांके परदा पुनः पुनः लागे, सोने चांदी के सिंहासन रात्र लगिन मोतिन के लटकन, बाके तिरछे सुगर पुजारी इनके ऊछ लागे प्यारी, अतर फुलेल लगाए सिहावे गुलाब जल के सर पर सावे, दूध वात नित भोग लगावे छप्पन भोग भोग में आवे, श्री सुधि पंचमी आई सो बिहार पंचमी कहाय, आई बिहार पंचमी जब से आनंद उत्सव होवे, तब से बसंत पाजे साज बसंती लगे गुलाल पोशाक बसंती, होले उत्सव रंग बरसावे उड़त गुलाल कुमकुमालावे, फूल डोल बैठे दिया प्यारी कुंज बिहारिन कुंज बिहारी, युगल स्वरूप एक मूरत में लखो बिहारी की सूरत में, श्याम स्वरूप मेरे बाके बिहारी
अंग चमक श्री राधा प्यारी दो एकादशी डोल सजावे फूल फूल छवि चमकावे अख तीज पे चरण दिखावे दूर दूर से एनी आवे घर में बर फूलन के बंगला पटका हार फूलन के जंगला शीतल भोग फुआरे चलते गोटा के पंखा नित झलते अरियाली तीजन को झूला बड़ी भीड़ प्रेमी मन फूला जन्म अष्टमी की मंगला आरती सखी मुदित निज तन मन बारती नंद महोत्सव भीड़ अटूट प्रहर कंचन की लू ललिता छठ उत्सव सुखकारी राधा अष्टमी की चाप सवारी शरद चांदनी मुकुट धरावे मुरली धर के दर्शन पावे दीप दीवारी अटरी दर्शन निर्खत सुख पावे एनी मन मंदिर होते उत्सव नित नित जीवन सफल करे एनी चित जो कोई तुम्हें प्रेम सोध्यावे सोई सुख मन वांछित फल पावे तुम हो दीन बंधु ब्रजनायक मैं हूँ दीन सुनो सुखदायक मैं आयो तेरे द्वार बिहारी कृपा करो श्री बाके बिहारी दीन दुखी के संकट हरते आतन पे अनुकंपा करते मैं हूँ सेवक नाथ तिहारो बालक के अपराध विसारो वो को जग संकट ने घेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो विपदा से प्रभु आप बचाओ कृपा करो मोको अपनाओ मैं अज्ञान मंद मति भारी दया करो श्री बांके बिहारी आके बिहारी दिन पचासा नित पड़े पावे निज आसा पड़े भाव सो नित प्रति गावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे धन परिवार बड़े व्यापारा सहज होए अब सागर पारा कलयुग के ठाकुर बिराते दूर दूर से नहीं आते दर्शन कर निज हृदय सिहाते अष्ट सिद्धि नव निधि सुख पाते मेरे सब दुख हरो दयाला दूर करो माया जंजाला दया करो मोको अपनाओ कृपा बिंदु मन में बरसाओ ऐसो कर मन दे निरखु श्यामा श्याम प्रेम बिंदु ब्रज तेरे घर वृंदावन श्याम बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बरसाने वाली राधा रानी की जय हो स्वामी जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे श्याम गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है मेरे बांके बिहारी जय हो तिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। तो लाइव सेशन को यहाँ पर विराम देंगे लेकिन विराम देने से पहले कहूंगा कि इस बार हमने जो राधाष्टमी का प्रसाद भेजा है वो कुरियर हो चुके हैं और पैकिंग डिफरेंट कर दी है चेंज कर दी है ताकि और ज्यादा कंफर्टेबली आप लोगों तक पहुंच सके और बिहारी जी की कृपा से जल्द ही आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। आई थिंक ट्रैकिंग नंबर भी मोस्टली लोगों को मिल चुका है अगर जिनको नहीं मिला हो
वो अपना ट्रैकिंग नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पर देना चाहेंगे विराम, लेकिन विराम देने से पहले हम यही चीजें कहेंगे कि बिहारी जी की कृपा ऐसी बरसती रहे कि आप लोगों को वृंदावन धाम भी बुलाते हैं ठाकुर जी महाराज। और इसके साथ साथ और भी एक और चीज जरूरी है, और वो ये है कि आप लोग वृंदावन धाम भी आए और लाइव सेशन से हमारे से जुड़े भी रहें, ताकि बिहारी जी की कृपा हर तरह से मानसिक शारीरिक हर तरीके से आर्थिक आपके ऊपर बनी रहे। तो यहाँ पर लाइव सेशन को मैं देना चाहूंगा विराम, लेकिन विराम देने से पहले हम बोलेंगे कुंज बिहारी लाल तेरी सदा ही जय हो। और एक बात और बता दूं कि पहले भी कहा था और अभी वापस रिपीट कर रहा हूं कि हम गणपति विसर्जन बहुत धूमधाम से करने वाले हैं, बहुत धूमधाम से गणपति विसर्जन होने वाला है। तो उसके लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि 9 तारीख को गणपति विसर्जन है और शाम से ही धूम मचने वाली। और कहां धूम मचेगी, कहां पर गणपति बप्पा मोरिया करेंगे, ये थोड़ा सा अभी सरप्राइज रखते हैं, पर ये भी जल्दी पता चलेगा। जय बिहारी जी की, श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास। कहां जाने वाला है मेरे बाकी वाली भक्त के परिवार मेरे साथ ये लाइव सेशन के थ्रू, ये थोड़ा सा सरप्राइज रखते हैं। किसी का कमेंट्स था तो इसीलिए मैं बता दिया है कि जल्दी ही आप लोगों को पता चल जाएगा। तो जय बिहारी जी की, श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास।